السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. मैं अपने इस प्रोग्राम में तमाम तलबा और तालिबात का और तमाम शरीक होने वालों का इस्तकबाल करता हूँ। ये प्रोग्राम अपनी नौइयत के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक मुसलमान के लिए अकीदे आखिरत और ईमान बिलगैब बड़ी अहमियत रखता है। जितना ज़्यादा हमारा यह अकीदा मजबूत होता है, उतना ज़्यादा हमें अमल करने में, गुनाहों से बचने में आसानी होती है। और आखिरत के अकीदे से मुताल्लिक एक बहुत ही अहम और बुनियादी अकीदा शफाअत का अकीदा है। शफाअत का अकीदा अगर आदमी को सही तौर से नहीं मालूम है, अगर उसको सही समझ उसकी नहीं है, तो वो शिर्क और कुफ्र में पड़ सकता है। क्योंकि कुफारे मक्का और मुश्रिकीन मक्का जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक और साझी ठहराया करते थे, वो इसी अकीदे को सही तौर से ना समझने की वजह से था। वो अपने बुतों के बारे में, माबूदों के बारे में यही अकीदा रखते थे, हा उलाई शुफा उना इंदल्ला, कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं, इनकी हम इबादत इसलिए करते हैं ताकि हमको ये अल्लाह से करीब कर दें। तो और हमारे इस दर्स के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का तस्करा हो चुका है कि जब क़यामत की गर्मी से और क़यामत की हौलनाकी से लोग इंतहाई परेशानी के आलम में होंगे, उस मौके पर तमाम के तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम उनको नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, फिर दूसरे पैगम्बर के पास जाएंगे। तो ये शफाअत का जो तस्करा हुआ, इस तस्करे के साथ हमें ये अकीदे को समझना भी ज़रूरी है। तो आज के दर्स में हम इंशाल्लाह शफाअत की तारीफ और उसकी बुनियादी किस्में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी किस्म की शफाअत अता की गई, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शफाअत की तारीफ पढ़ते हैं। शफाअत माखूज़ मिन अश्शफ़ हुवा ज़िद्दुल वित्र وهو جعل الوتر شفعا مثل ان تجعل الواحد اثنين। शफात शफा से माखूज है और वित्र की जिद है, और इसके माना है ताक को जुफ्त, यानी एक को दो और तीन को चार बना देने के। और इस्तिलाह शरीयत में शफात कहते हैं التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره، يعني ان يكون الشافع بين المشفوع اليه والمشفوع له واسطه لجلب المنفعه للمشفوع له और यदफ़ अनह मज़रत। इस्तिलाह में इसके माने जल्ब मनफात या दफ़ मज़रत के लिए किसी दूसरे को वास्ता बना लेने के हैं, यानी शाफ़ सिफारिश करने वाला मशफू इले जिससे सिफारिश की गई हो, उसके दरमियान मशफू लहू के लिए जल्ब मनफात या उसके लिए दफ़ मज़रत की खातिर वास्ता बने। यानी किसी आदमी के लिए फ़ायदा हासिल करने का कोई आदमी ज़रिया बन रहा है, किसी आदमी से मिल करके कि किसी आदमी को कोई फायदा हासिल करना है, तो वो अपने दरमियान और जिससे फायदा हासिल कर रहा है उसके दरमियान किसी को वास्ता बनाता है, इसी को शफायत कहते हैं। कि एक आदमी के फायदे के लिए किसी दूसरे आदमी से बात करना दरमियानी आदमी का, इसको शफायत कहा जाता है। या इसी तरह से एक आदमी को शर से बचाने के लिए किसी दूसरे आदमी से बात करना कि अगर मैं उस आदमी से बात करूंगा तो ये आदमी फलां शर से महफूज हो जाएगा,
और अगर मैं फला आदमी के लिए फला आदमी से बात करूंगा तो उसको फला खैर मिल जाएगा। ये शफात की तारीफ है। शफात की बुनियादी तौर से दो किस्में, पहली किस्म सही और साबित शुदा शफात, इससे मुराद वो शफात है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में साबित फरमाया है। ये शफात अहले तौहीद व इखलासी को नसीब होगी, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शफात से महजूज होने वाले या फायदा उठाने वाले सबसे ज्यादा वाला सादतमंद सबसे ज्यादा सादत हासिल करने वाला कौन शख्स होगा, यानी आपकी शफात से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह सिदकम मिन कल्बी या खालिसम मिन कल्बी, जिस शख्स ने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा उस शख्स को मेरी शफात से सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के यहाँ अगर किसी पैगंबर की वली की या किसी फरिश्ते की कोई शफात चाहता है तो उस आदमी के लिए जो शफात हासिल करना चाहता है उस आदमी के लिए खालिस तौहीद की जिंदगी गुजारना जरूरी है। अगर तौहीद की जिंदगी नहीं गुजारता तो कोई पैगंबर कोई फरिश्ता ना उसकी सिफारिश कर सकता है और ना उसकी सिफारिश से उसको फायदा हो सकता है। शफात की दूसरी किस्म है शफाते बातिला। शफाते बातिला किसे कहते हैं? शफाते बातिला है जो किसी के कुछ भी काम नहीं आएगी। इससे मुराद मुश्रिकीन की मजमूमा शफात है, जो दावा करते हैं कि उनके माबूद अल्लाह के यहाँ उनकी शफात करेंगे। एक तो उन्होंने अपने मनमानी जिसको चाहा अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बना कर रख लिया कि हम फलां को अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बनाएंगे चाहे अल्लाह ताला उससे राजी हो या ना हो, और दूसरी चीज ये कि उसके बारे में वो अकीदा रखते हैं कि हमने फलां को सिफारिशी बनाया है तो अब ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फमा तनफअहुम शफातुश शाफिईन, सूरह मुद्दसिर, तो इस हाल में सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके हक में कुछ फायदा न देगी, क्योंकि अल्लाह ताला उन मुश्रिकीन के शिर्क से खुश नहीं और ना ये मुमकिन है कि वो मुश्रिकीन के लिए शफात की किसी को इजाजत दे, क्योंकि वो तो अपने पसंदीदा बंदों के लिए शफात की इजाजत फरमाएगा और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र और फसाद को पसंद ही नहीं फरमाता। लिहाजा मुश्रिकीन का अपने माबूदों से ताल्लुक कायम करना और ये कहना कि हाउलाए शफाउना इंदल्ला, ये अल्लाह के हमारे अल्लाह के पास हमारे सिफारिश करने वाले हैं, ये एक बातिल और गैर नफा बख्श ताल्लुक है। ये ताल्लुक उन्हें अल्लाह ताला से दूर करता चला जाता है, क्योंकि मुश्रिकीन बुतों की इबादत के लिए बातिल वसीले के जरिए से अपने बुतों से शफात की उम्मीद रखते हैं और ये उनकी बेवकूफ़ी और हमाकत है कि तकर्रुब इलाही के हुसूल के लिए वो ऐसा वसीला अख्तियार करते हैं जो उन्हें अल्लाह से मजीद दूर करता चला जाता है। अब यही मैं एक सवाल करूंगा कि शफात कबूल करने वाली जात कौन है? आप लोगों से एक सवाल है, शफात कबूल करने वाली जात कौन है? कौन ऐसी जात है कि जो हमारी शफात कबूल करेगी तो हमें फायदा होगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीज आपके लिए बिल्कुल वाजे हो जाए। शफात कबूल करने वाला कौन है? नहीं, शफात कबूल करने वाला जिसकी शफात कबूल की जाएगी, सुभान अल्लाह, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, शफात कबूल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये पहला सवाल हो गया। यहीं से ये बात क्लियर हो जाएगी कि शफात का मतलब क्या होता है और कैसे वो शफात हासिल होगी, किसको हासिल होगी। मैं सवाल के अंदाज में आपसे बात कर रहा हूँ। तो पहला सवाल ये कि शफात कबूल करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, ये बात वाजे हो गई। दूसरी चीज ये कि शफात जो लोग करते हैं उनको उनकी तस्दीक कौन करेगा, उनके बारे में कौन बताएगा कि यही शफात करने वाले यही शफात कर सकते हैं, यानी शफात करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने क्या शर्त लगा रखी है। जैसे कोई आदमी है अपने बारे में उसने अकीदा रखा है कि हमने फला आदमी को बहुत बुजुर्ग माना है, बहुत अल्लाह का वली है, तो वो हमारा सिफारिश कर देगा। लेकिन एक आदमी जो सिफारिश करने वाला है वो तो समझ रहा है कि हमारी सिफारिश कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सिफारिश का हक नहीं दिया,
तो अल्लाह ताला ने सिफारिश का हक देने के लिए शर्त क्या रखी है? इससे मिसाल के तौर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिफात कर सकते हैं, नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफात कर सकते हैं सही है, इसके अलावा दूसरे पैगंबर भी सिफारिश करेंगे, अल्लाह के फरिश्ते भी सिफात करते हैं, ये एक अलग बड़ा तफसीली मौजू है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नेक बंदे हैं वो भी सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन सिफारिश करने के लिए अल्लाह ने शर्त क्या लगा रखी है? तौहीद की शर्त लगा रखी है अल्लाह ने, तौहीद की शर्त। अल्लाह की इजाजत किसको मिलेगी? जो तौहीद वाला होगा। मिसाल के तौर से हम लोग अकीदा रखते हैं कि हमारी सिफारिश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश का हक दिया, वो अल्लाह के पैगंबर हैं। तो अल्लाह ताला दोनों तरफ दोनों तरह के लोगों के लिए तौहीद की शर्त लगाता है। जिस आदमी के हक में सिफारिश की जाए उस आदमी का भी तौहीद वाला होना जरूरी है, और जो शफात करने वाला है उसका भी तौहीद वाला जरूरी होने वाला जरूरी है, तौहीद वाला होना जरूरी है। मिसाल के तौर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के बारे में सिफारिश करेंगे कयामत के दिन, और कहें, उन्होंने दुआ भी की रब्बी ला तुख्ज़िनी यौमा युबअसून, कि अल्लाह मेरे जो है कयामत के दिन मुझे जलील और रुसवा ना करना, और वो दुआ भी कर रहे थे अपने अब्बा के लिए, आज़र के लिए, अपने बाप के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि जो शिर्क करने वाला है उसके हक में किसी पैगंबर की शफाअत भी कबूल नहीं होगी। शिर्क करने वाले के हक में किसी पैगंबर की सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। शफाअत करने वाले के लिए भी तौहीद वाला होना जरूरी है। तो आजकल के जो मुसलमान हैं और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बहुत सारे अपने खुद साख्ता अवलिया उन्होंने बना रखे हैं और कहते हैं ये फलां बुजुर्ग हैं, फलां बुजुर्ग हैं, फलां बुजुर्ग हैं, फलां बुजुर्ग हैं, ये हमारी सिफारिश करेंगे, अगर वो बुजुर्ग खुद तौहीद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारने वाले हैं उनकी नजर में जिनको बुजुर्ग कहते हैं, तो क्या उनकी शफाअत को अल्लाह कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान वकाल सवाबा। अभी ये बात और तफसील से आएगी कि अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश जो भी करेगा उसका तौहीद वाला होना जरूरी है, और जिसके हक में सिफारिश की जाए उसका भी तौहीद वाला होना जरूरी है। तो तीन सवाल हो गए। पहला सवाल ये, शफात को कबूल करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह ही शफात कबूल करेगा, तो किसी का बेड़ा पार हो सकता है? दूसरी चीज ये, जो भी शफात करने वाला है उसका बजाते खुद मुवहिद होना जरूरी है। और तीसरी बात ये, जिसके लिए सिफारिश की जा रही है उसका भी तौहीद वाला होना जरूरी है। इसकी मिसाल मैंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया कि आप जो है अपने जो है किसी ऐसे रिश्तेदार के लिए जो शिर्क पर मर गया हो आप मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। मा काले ने नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तग़फिरू लिल्मुश्रिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। मोमिनों के लिए और पैगंबर के लिए जायज नहीं है कि किसी के ऐसे शख्स के हक में मग़फ़िरत की दुआ करें जिन जो शिर्क पर मर गए हों। तो ये तीनों सवाल अगर आप समझ गए हैं तो फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। पहला सवाल ये, शफात कबूल करने वाली जात कौन है? दूसरा सवाल ये, किस शफात कबूल, जिसकी शफात अल्लाह ताला कबूल करेगा उसके जो लिए क्या शर्त जरूरी है? शफात करने वाले के लिए तौहीद वाला होना जरूरी है, और जिसके लिए शफात की जा रही है उसका भी तौहीद वाला होना जरूरी है। बहुत अच्छा जवाब दिया जिन्होंने भी लिखा है कि जिन लोगों ने शिर्क ना किया हो, तो जिन लोगों ने शिर्क ना किया, शिर्क ना करना ये दोनों के लिए जरूरी है, जो शफात करने वाला है उसने भी शिर्क ना किया हो और जिसके हक में शफात की जा रही है उसने भी शिर्क ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह बात आप लोग समझ रहे हैं, मुझे बात समझ में आ गई कि जिन लोगों ने शिर्क ना किया हो उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला शफात का हक देगा, और जिन लोगों ने शिर्क ना किया हो उन्हीं के हक में शफात का हक देगा। मतलब ये कि शिर्क करने वाला ना शफात करने वाला हो सकता है और ना उसके हक में शफात कबूल की जाएगी। अब आइए हम शफात की वो किस्में पढ़ेंगे, वो सूरतें पढ़ेंगे जिन सूरतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात मिलेगी। नंबर एक,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 किस्म की शफायतें नसीब होंगी। कितनी किस्म की? 8 किस्म की शफायतें अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन नसीब होंगी। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। नंबर 1, शफायत उज़्मा। आप में से कोई बता सकता है शफायत उज़्मा किसको कहा जाता है? शफायत उज़्मा, शफायत उज़्मा के नाम से कौन सी शफायत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी? सबसे बड़ी शफायत जो पूरी कायनात के इंसानों के लिए अल्लाह के पैगंबर करेंगे। शफायत उज़्मा से मुराद कौन सी शफायत है जो पूरी कायनात के इंसानों के लिए करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वही शफायत है जो मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफायत करेंगे और अल्लाह ताला के जो है बारगाह में सर झुका करके अल्लाह की हमद और तारीफ बयान करेंगे। शफायत उज़्मा मैदान महशर में जब लोग गर्मी से परेशान होंगे उस मौका पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफायत करेंगे जिसकी वजह से अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करेगा उसको शफायत उज़्मा कहा जाता है। तो पहली शफायत क्या है? शफायत उज़्मा। ये अहले मौकफ यानी मैदान महशर में जमा तमाम इंसानों के लिए होगी कि उनमें फैसला किया जाए। लोग इस शफायत के लिए पहले दीगर अंबिया इकराम आदम नूह इब्राहिम मूसा और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे लेकिन वो इनकार कर देंगे। आखिरकार ये शफायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ पहुंचेगी जैसा कि इससे पहले उन हदीस में मस्कूरा हदीस में हमने तफसील से पढ़ लिया है। तो शफायत उज़्मा अगर पूछा जाए कि शफायत उज़्मा से कौन सी शफायत मुराद है तो हम क्या जवाब देंगे? शफायत उज़्मा से मुराद मैदान महशर की शफायत है जो हिसाबो किताब शुरू करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में करेंगे और आपकी शफात से हिसाबो किताब शुरू किया जाएगा। दूसरी शफात क्या है? ये शफात हिसाब के सिलसिले के खत्म होने के बाद मुस्तहिकीन जन्नत के मुतालिक होगी कि उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाए। यानी सब लोगों का जब हिसाब हो जाएगा और जन्नत के मुस्तहिक जो लोग हैं वो जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे कि अल्लाह ताला तेरे जो बंदे जन्नत के मुस्तहिक हो गए जल्दी उनको जन्नत में दाखिल कर दे। तो जन्नत में दाखिल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम जो शफाअत करेंगे उसे दूसरी शफाअत कहा जाता है। ये शफाअत हिसाब के सिलसिले के खत्म होने के बाद मुस्तहिकीन जन्नत के मुतालिक होगी कि उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लोग जन्नत के मुस्तहिक हो गए होंगे हिसाब किताब से फारिग हो गए होंगे ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे कि अल्लाह ताला इनको अब क्योंकि जन्नत के मुस्तहिक हो गए हैं इसलिए तो जल्दी इनको मेरी शफात के जरिया जन्नत में दाखिल कर दे। दूसरी शफात समझ में आ गई। तीसरी शफात क्या है? जिन लोगों की नेकियां और बदियां बुराइयां बराबर हैं ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास गुनाह भी और नेकी दोनों बराबर सराबर होंगे और वो बराबर होने की वजह से वो आराफ पर जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है आरा उस जगह पर रोक दिए जाएंगे। ना नेकी ज्यादा होगी कि जन्नत के अंदर चले जाएं और ना गुनाह बहुत ज्यादा होगा कि जहन्नम के अंदर चले जाएं। बिल्कुल बैन बैन दरमियान दरमियान ये दरमियानी मामला बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। असहाबुल आराफ कुरान मजीद में बाकायदा सूरह आराफ एक सूरा है उसमें बड़ी तफसील से इसका जिक्र किया है कि वो आराफ जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है उस जगह पर जो लोग रोक दिए जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। कभी जन्नत की तरफ देखेंगे ललचाई हुई नजरों से तो चाहेंगे अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल कर दे और कभी जहन्नम के अंदर देखेंगे तो कहें अल्लाह हमको इससे बचा ले अल्लाह इससे बचा ले जहन्नम में हमको दाखिल ना करना। और जन्नत की तरफ जब वो नजर उठा कर देखेंगे तो ऐसे मौके पर वो जन्नत की ख्वाहिश करेंगे। तो असहाबुल आराफ का माना समझ में आ गया कि आराफ किस असहाबुल आराफ के मौके पर असहाबुल आराफ कौन होंगे? आराफ पर जिनको रोक दिया जाएगा जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी और ऐसे लोगों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे तो उनको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करने के बजाय जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात होगी। तो तीसरी शफात समझ में आ गई असहाबुल आराफ। असहाबुल आराफ जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान रोक दिए जाएंगे उनके हक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शफात करेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के जरिया उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा और जहन्नम से अल्लाह ताला उनको बचा लेगा। चौथी शफात क्या है? चौथी शफात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि बाज अहले जन्नत के रफ़े दर्जात की बुलंदी के लिए, बहुत सारे लोग जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात का हक देगा और वो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के जरिया दर्जात में बुलंद कर दिए जाएंगे, उनके दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद कर देगा। तो ये शफात की चौथी किस्म हो गई, बाज़ अहले जन्नत के रफ़े दर्जात के लिए, बहुत सारे लोग जो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे और उनकी शफात के जरिए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद कर देगा। अब यहाँ देखिए कुछ आयतें हैं सूरह आराफ से मुतालिक, وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، سورة الأعراف آیت نمبر 46، اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان، یہ کافر اور مومنوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور یہی آراف کی جو ہے دیوار ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور اسی دیوار پر بہت سارے لوگوں کو روک دیا جائے گا جن کی گناہ اور جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور آراف کے اوپر بہت سارے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے۔ سیما کے معنی علامت کی، جنتیوں کے چہرے روشن اور تر و تازہ اور جہنمی کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان جائیں گے۔ آراف پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جو جنت اور جہنم کے درمیان آراف پر روک دیے جائیں گے وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے آراف پہ جو لوگ ہوں گے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے امیدوار ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں جیسے جنت میں داخل کر دے، جیسے جنتی جنت کے اندر چلے گئے وہ بھی جنت کے اندر چلے جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، منظر دیکھیں کہ کتنا جو ہے عبرتناک منظر ہے کہ جنت ادھر ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، ادھر وہ جنتی ادھر جنت ہے، تو جنتیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جلدی سے وہ جنت میں داخل کر دے، اور جنتیوں کو پکاریں گے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، اور ادھر دوزخ کی طرف نگاہ کریں گے تو کہیں گے اللہ لب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تو ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا، کیونکہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میری نیکی اور میرے جو ہے گناہ برابر ہیں، تو اب میرے بارے میں فیصلہ کیا جائے، جنت میں جاؤں کہ جہنم میں جاؤں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور جو جس کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، نیکی اور برائی دونوں برابر ہیں، تو وہ آراف پر روک لے جائیں گے۔ آراف پر کون لوگ روک لے جائیں گے؟ جن کی نیکیاں اور جن کے برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اہل آراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے جنت میں چلے گئے ہوں گے، ان جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اہل آراف بہت سارے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے آج تمہاری جو ہے جماعت، تمہارا تکبر تمہارے کام کچھ کام نہ آئے، یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تب کہیں گے، جنتیوں کو دیکھ کر کے آراف والے کیا کہیں گے کہ اللہ ہم کو بھی جنت میں داخل فرما دے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ایک تو یہ کہیں گے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لینا، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور دوسری طرف جہنمیوں سے کہیں گے کیا ہوا تمہاری گروہ، تمہاری جماعت، تمہارے ساتھ جو فوج تھی وہ کام نہیں آئی، اور تمہارے جو ساتھی تھے کام نہیں آئے، وہ کہیں گے ان جہنمیوں سے مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، آج تمہاری جماعت اور جو ہو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. क्या ये वही है जिनकी निस्बत तुम कसमें खाकर कहा करते थे कि अल्लाह इन पर रहमत ना करेगा, उनको ये हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर कुछ खौफ नहीं है और ना तुम गमगीन होगे। इससे मुराद वो अहले ईमान है जो दुनिया में गरीब मिस्कीन मुफलिस और नादान किस्म के थे, जिनका इस्तेहजा मुतकब्बिरीन लोग उड़ाया करते तो कहा करते थे अगर अल्लाह के महबूब होते तो उनका दुनिया में ये हाल ना होता। तो वो आराफ असाबुल आराफ जहन्नमी को कहेंगे तुम्हारा जता कुछ काम नहीं आया, और उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से जन्नतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा जाएगा कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाते थे कि इन पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी। उन जहन्नमियों से बात करते हुए कहेंगे कि जिनके बारे में तुम कसमें खाते थे कि तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, वो जन्नत के अंदर चले गए, और जिन जिन पर तुम घमंड किया करते थे कि हमको जन्नत मिल जाएंगे, आज तुम्हारे साथ तो भी दोजख में है। तो ये तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ के अंदर बयान की है। इससे पता चलता है कि असहाबुल आराफ ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान रोक दिए जाएंगे। जब जन्नतियों की तरफ देखेंगे तो उन पर उनको सलाम कहेंगे और कहेंगे अल्लाह हमको इनके साथ शामिल कर ले, और जब जहन्नमियों को देखेंगे तो अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमको इनमें शामिल ना करना, और उन जहन्नमियों से कहेंगे क्या हुआ तुम जिन जमातों पर और जिन गिरोहों पर तकब्बुर किया करते तो तुम्हारे काम नहीं आए, और देखो जिन लोगों को तुम दुनिया में कहा करते थे ये जन्नत में नहीं जाएंगे, सारे गरीब लोग मुसलमान जो गरीब थे परेशान हाल थे जिनका तुम मजाक उड़ाया करते थे वो सब जन्नत के अंदर चले गए। तो बहरहाल ये असहाबुल आराफ के बारे में मैं बयान कर रहा था कि असहाबुल आराफ ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार है, आराफ ये, उस दीवार पर कुछ लोगों को रोक दिया जाएगा। जिन लोगों को रोका जाएगा उनकी हालत क्या होगी, उनकी नेकियां और उनके गुनाह दोनों बराबर हो जाएंगे। और चौथी शफात अहले जन्नत के लिए कि अल्लाह तआला उनके दर्जात को बुलंद कर दे। पांचवी शफात अहले तौहीद में से गुनहगार जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे उनके हक में आपकी शफात होगी कि उन्हें जहन्नम से निकाल दिया जाए। ये भी बहुत ही बड़ी शफात होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप दुआ करेंगे, कहेंगे अल्लाह जिसके दिल में राय के दाना के बराबर उससे कम भी ईमान हो अल्लाह उसको भी तो जहन्नम से निकाल दे। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के जरिया अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को तमाम इंसानों को जहन्नम से निकालेगा जिनके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा या उससे कम भी ईमान होगा। छठी शफात क्या है? छठी शफात के बारे में उलमा ने लिखा है कि छठी शफात ये आपके चचा अबू तालिब के अजाब की तख़फीफ के लिए होगी। आपके चचा अबू तालिब जिन्होंने आपका बहुत सपोर्ट दिया, आपके दादा के इंतकाल के बाद आपकी जो है बहुत ज्यादा देख रेख की, और जो है आपके परवरिश परदाख में और आपके सपोर्ट में बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। तो ईमान ना लाने की वजह से वो जहन्नम से नहीं बच पाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये शफात का हक देगा कि आप शफात कीजिए तो आपकी शफात के जरिए अबू तालिब के अजाब में तख़फीफ हो जाएगी। तो आपके चचा अबू तालिब के अजाब की तख़फीफ के लिए यानी आपके चचा अबू तालिब के अजाब को हल्का करने के लिए अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात का हक देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के लिए तख़फीफ अजाब की शफात फरमाएंगे। शफात की ये किस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है क्योंकि अल्लाह ताला ये खबर दे चुका है कि काफिरों को किसी की शफात नफा नहीं देगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता चुके हैं कि उनकी शफात सिर्फ पहले तौहीद के लिए होगी। इसलिए अबू तालिब के हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात खास है, और किसी मुशरिक और किसी गैर मुस्लिम के हक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात नहीं करेंगे। और इसकी जो रवायत है वो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपके चचा का जिक्र हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद कयामत के दिन उन्हें मेरी शफात काम आ जाए और उन्हें सिर्फ टखनों तक जहन्नम में रखा जाए, टखनों तक यानी उनके पैरों तक जो है जहन्नम की आग आ जाए जिससे उनका दिमाग खौलेगा। और बाज रवायतों में है कि सबसे हल्का अजाब जिसको होगा उसको उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएंगी और दिमाग हाटी की तरह उबाल खाएगा। ये सबसे हल्का अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे तब ये हाल होगा कि उनके अजाब को हल्का से हल्का किया जाएगा और सिर्फ टखनों तक उनको उनके पैर में अजाब होगा, उनके टखनों तक आग रहेगी जहन्नम की। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। तो ये अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रवायत सही बुखारी की है ये बिल्कुल सही रवायत है। इससे पता चलता है कि ये शफात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है कि अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के हक में आप सिफारिश करेंगे जो तौहीद वाला नहीं होगा, लेकिन आपकी सिफारिश से उसके अजाब को हल्का कर दिया जाएगा। वो सिफारिश किसके हक में होगी? वो सिफारिश आपके चचा अबू तालिब के हक में होगी।
नंबर सात, उम्मत के ऐसे मुवहिद गुनहगार जो अपने कबीरा गुनाहों की वजह से जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक हो गए होंगे, उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाएगा, उन्हें जहन्नम में नहीं दाखिल किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कबीरा गुनाह बहुत ज्यादा किए होंगे, बहुत ज्यादा कबीरा गुनाहों की वजह से वो जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में उनको सिफारिश करेंगे, आपकी शफाअत से उनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। और कुछ ऐसे कबीरा गुनाह के करने वाले होंगे जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक हो गए होंगे, लेकिन उनको जहन्नम में दाखिल नहीं किया गया होगा, अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए उन अहले कबाइर के को जहन्नम की आग से बचा लेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और कहेंगे अल्लाह इनको तो जहन्नम में दाखिल ना फरमा, क्योंकि ये तौहीद वाले हैं, अगर जो गुनाह किया तौहीद वाले हैं, तो अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल करके और उनको जो है जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ये सातवीं सिफारिश होगी, उम्मत के ऐसे मुवहिद गुनहगार जो अपने कबीरा गुनाहों की वजह से जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक हो गए होंगे, उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाएगा, उन्हें जहन्नम में नहीं दाखिल किया जाएगा। नंबर आठ, शफाअत की आठवीं किस्म क्या है? शफाअत की आठवीं किस्म है बाज मोमिनीन के मुतालिक। बाज मोमिन ऐसे होंगे जो जन्नती होंगे, और जन्नती होने के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सिफारिश करेंगे कि अल्लाह तुने बिना हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दे। ये उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियत होगी कि इस उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जिनको बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, जैसा कि इससे पहले वाली इससे पहले तस्करा हो चुका है कि 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। और ये उकाशा इब्ने महसिन रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो है बशगुल नहीं रहते, और इसी तरह से दाग नहीं लगवाते, और जो है रुपया नहीं करवाते, झाड़ फूक नहीं करवाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोग बिला हिसाब व किताब की जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। तो उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा अल्लाह ताला अल्लाह के पैगम्बर दुआ कर दीजिए अल्लाह हमको भी उन्हीं में शामिल फरमा ले। तो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको उसमें शामिल किया, और फिर दूसरे साहबी खड़े हो गए तो कहा कि अल्लाह के पैगम्बर मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी उन्हीं में शामिल फरमा ले। तो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबका कभी हा उकाशा, तुमसे उकाशा सबकत ले गए, अब तो है अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार जो दिया था वो ख़त्म हो गया, अब मेरी दुआ के जरिए किसी को नहीं इस तरह के लोगों में शामिल किया जाएगा, बस ये वो लोग जिनके अंदर ये सिफात पाई जाएगी। इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी अगले दर्स में तफसील बयान करेंगे कि वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन से सिफात हैं जिनकी वजह से बहुत सारे अहले तौहीद उम्मत मुहम्मदिया के जो होंगे वो बिला हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम कल के दर्स में उसको बयान करेंगे। शफात की तीन शर्तें हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि शफात करने वाला शफात की शर्तें, ये शफात का चूंकि दर्ज चल रहा है शफात से मुतालिक इसलिए इसको मुकम्मल करना जरूरी है। शफात की शर्तें तीन हैं। पहले नंबर की शर्त क्या है? नंबर एक, शफात कौन करेगा? शाफ़ी। शफात करने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से शफात करने की इजाजत जरूरी है। अल्लाह का फरमान है मंज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने सिफारिश कर सके। तो शफात करने वाला जो भी होगा उसके लिए तौहीद वाला होना जरूरी है। मा मिन शफीइन इल्ला मिन बादि इज़्नी, उसकी इजाजत के बगैर कोई अल्लाह के पास उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं होगा। शफात करने वाले का मुवहिद होना जरूरी है। शफात कौन करेगा? जिसको अल्लाह इजाजत देगा। शफात करने की इजाजत अल्लाह किसको देगा? जो तौहीद वाला होगा। आगे उसकी दलील है यौम यकूमु अर-रूहु वल मलाइकातु सफ्फा لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا, जिस दिन रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सफ़े बात कर खड़े होंगे तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे और ठीक बात जुबान से निकाले। तो ये सूरह नबा की जो आयत है इसकी तफसीर मुकम्मल तो से बहुत सारे किताबों के अंदर मौजूद है। वो मान अल्लाहमान शफात लहू, शफात नहीं करेगा कोई मगर वही जिसको अल्लाह ताला सिफारिश की इजाजत देगा। वज़ालिक अश्शख्स मिम्मन काना यक़ूलु सवाबन फिद दुनिया, और सिफारिश वही करेगा जो दुनिया में सही बात करने वाला रहा हो, और सही बात से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला।
तफसीर खाजी में रवायत मौजूद, ये तफसीर मौजूद है। इसी तरह यौमैज़िन ला तनफ़ु शफ़ातु इल्ला मन अज़िन लहु अज़िन लहु अर्रहमान व रज़िया लहु क़ौला, ये भी ये तफसीर यहया बिन सलाम के अंदर मौजूद है कि यहाँ भी जो है शफात का फायदा उन्हीं के जरिया होगा जिन्होंने तौहीद के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, यानी जो तौहीद वाले होंगे वही सिफारिश कर पाएंगे। इसी तरह सूरह नबा में वकाल सवाबा से मराद फिद दुनिया फवहद अल्लाह, जिसने अल्लाह की तौहीद के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। तो सिफारिश जो करेगा उसके लिए तौहीद वाला होना जरूरी है, सिफारिश जिसके हक में की जाएगी उसके लिए भी सिफारिश होने वाला, उसके लिए भी तौहीद वाला होना जरूरी है। जैसे कोई सिफारिश कर रहा है तो सिफारिश करने वाले का भी मुआहिद होना जरूरी है, और जिसके हक में सिफारिश की जा रही है उसके लिए भी मुआहिद होना जरूरी है। मशफू लहू शफात पाने वाले के लिए अल्लाह की रजामंदी का फरमान, ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तजा, वो किसी की भी सिफारिश नहीं करेंगे बजुज उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। मस्कुरा बाला दोनों शर्तों को अल्लाह ताला ने इस कौल में जमा कर दिया, वो कम मिन मलकिन फिस समावाती ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बाद अन याज़न अल्लाहु लिमन यशा व यरदा, और बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती, मगर यह और बात है कि अल्लाह ताला अपनी खुशी और अपनी चाह से जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे। तीसरी शर्त, जिसके हक में शफाअत की जा रही हो वो कैसा हो, जिसके हक में सिफारिश की जा रही है उसके लिए भी मुआहिद होना जरूरी है। जैसा कि वो रहना की रवायत हमने पढ़ ली रज़ी अल्लाह अन्हु की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी शफात से क़यामत के दिन फायदा उठाने वाले कौन लोग होंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन लोगों ने भी सच्चे दिल से कलमा पढ़ा और सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया। अब ये आठ किस्में हो गई शफात की और शर्तें भी हो गई, और उसको मैंने तीन सालों के अंदर बांट दिया। नंबर एक, शफात कबूल करने वाली जात कौन है, अल्लाह की जात है। शफात करने वाले के लिए क्या चीज जरूरी है, जो शफात करने वाला हो उसके जो है मकबूल होने के लिए जरूरी है कि वो तौहीद वाला हो, और जिसके हक में सिफारिश की जा रही है उसके लिए भी जरूरी है कि वो तौहीद वाला हो। तो जो जो शफात पा रहा है उसके लिए भी तौहीद वाला होना जरूरी है, और जो शफात कर रहा है उसके लिए भी तौहीद वाला होना जरूरी है, और तौहीद वाले के लिए अल्लाह ताला की रजामंदी जरूरी है, और अल्लाह ताला तौहीद वाले ही को शफात के लिए इजाजत देगा। मसले शफात के बारे में लोगों की तीन किस्में हैं, ये बात मुकम्मल करके अपनी बात में खत्म करता हूँ। पहली किस्म नसारा की है, नसारा मुशरिकीन और बिदअत के जो है पैरोकार अफराद, ये लोग असबात शफात में गुलू के शिकार हैं। ये लोग ये कहते हैं कि हमने जिनको भी अपना बड़ा बना लिया, जिनको भी अपना बुजुर्ग बना लिया, वो सब अल्लाह के हमारी सिफारिश कर देंगे और अल्लाह ताला उनकी सिफारिश से हमारा बेड़ा पार कर देगा। एक लतीफा मुझे याद आया कि मनगढ़ंत कहानी लोग बयान करते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर के बारे में किसी ने वाकया लिखा है और बड़ा मशहूर है, वो बयान भी कहते हैं लोग। अब्दुल कादिर जिलानी का एक धोबी था, तो वो जो है वो मर गया। जब मर गया कब्र के अंदर जब फरिश्ते आए तो कहते मन डब्बू का तुम्हारा रब कौन है, तो कहता मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। तो कहते तुम्हारा दीन क्या है, अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। तो उन फरिश्तों ने जाकर अल्लाह ताला से क्या शिकायत किया कि अल्लाह ताला तेरा कौन सा बंदा आज कब्र के अंदर आ गया है, जब मैं उससे पूछता हूँ तेरा रब कौन है तो कहता अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। तो अल्लाह ने कहा कौन अब्दुल कादिर, वो जो मेरा बहुत जो है मुकर्रब बंदा है, जो मेरा जो है मेरा खास जो है वली है, वो अगर है तो जाओ, अगर उसका धोबी है तो उसको उसके लिए तो छुटकारा है, उसको माफ कर दो और उसके सवाल मत करो। तो ये बनाई हुई और मनगढ़ंत बातें इस तरह लोग बयान करते हैं अब्दुल कादिर जिलानी जो है रहमतुल्लाह के बारे में कि उनका धोबी जो है कब्र में जाकर के कहेगा मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ, तो फरिश्ते सवाल जवाब बंद कर देंगे। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस तरह की खुराफात से बचाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शफात के बारे में मनमानी अकीदा रखते हैं, हम जिसको चाहेंगे सिफारिशी बना देंगे और अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेंगे और हमारी सिफारिश कबूल हो जाएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नंबर दो, मुअतज़िला और खवारिज, ये लोग शफात को मानते ही नहीं है। ये लोग कहते हैं जो बड़े गुनाहों के मुर्तकिब हैं उनके हक में किसी की शफात काम नहीं आएगी, ये भी गुमराही का अकीदा है। एक तो ये शफात के बारे में मनमानी अकीदा बना लेना, हम जिसको चाहेंगे सिफारिशी बनाएंगे और अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल कर लेगा, ये भी गुमराही वाला अकीदा है। दूसरा अकीदा मुअतज़िला और खवारिज का है शफात के बारे में, वो ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े गुनाहों के मुर्तकिब होंगे उनके हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे पैगंबरों की शफात भी काम नहीं आएगी। ये दोनों जमातें जो है इफरात और तफरीत का शिकार हैं। तीसरी जमात अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात सलफ सालेहीन सहाबा किराम ताबईन निज़ाम अतबाए ताबईन, उन लोगों का जो अकीदा है शफात के बारे में
ये लोग किताब सुन्नत से साबित शुदा तमाम शफातों को किताब सुन्नत की रोशनी में और किताब सुन्नत ही से साबित शुरूत के साथ कबूल करते हैं। शफात करने वाले का भी मुआहिद होना जरूरी है, जिसके हक में शफात की जा रही है उसका भी मुआहिद होने वाला जरूरी है, और जिसको शफात करके अल्लाह ताला इजाजत देगा सिर्फ वही सिफारिश कर पाएगा। तो ये शफात से मुतालिक चंद जरूरी बातें थी, और इन बातों को समझना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना बेहद जरूरी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में तौहीद व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें गुनाहों से बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदा रहने की तौफीक अता फरमा, और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।